प्यारे छात्रों, अपने जीवन के शुरुआती दौर की पढ़ाई खत्म करने के बाद आप लोग पहली दफा बोर्ड एग्जामिनेशन के बैरियर को क्रॉस करके अगले क्लास में कदम रख रहे हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप लोग अपने मेहनत का फल लेके अपने जीवन के लंबे सफर पर निकलने को तैयार हो गया हो। यानी अब आपकी तैयारी, अभी तक आप माँ बाप के साथ रहते थे, कोई बच्चा नाना नानी के घर में रह रहे थे, सभी बच्चे अपने या तो माँ बाप के ऊपर आश्रित थे, यानी उसके हिसाब से चल रहे थे, या फिर जिस भी फैमिली में रहते थे वहां जो आपके गार्जियन थे, गार्जियन के हिसाब से आप लोग चल रहे थे। आपने 10 वर्ष की परीक्षा, 10 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद बोर्ड की परीक्षा पास की। कुछ बच्चे को अच्छे नंबर आए हैं, कुछ बच्चे को नॉर्मल नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीवन के द्वार में अब निकलने को तैयार हो। अभी तक जो आप पढ़ाई कर रहे थे वह एक जनरल पढ़ाई था। आपको क्लास 10 तक में हिस्ट्री भी पढ़ाया गया, ज्योग्राफी भी पढ़ाया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सब के सब सब्जेक्ट पढ़ाए गए। लेकिन अब जब आप क्लास 11 में एडमिशन लोगे, जो अगले साल 12 होगा, जहां जब आप बोर्ड की परीक्षा दोगे तो यहाँ स्ट्रीम होता है। जो बच्चे आपके साथ पढ़ के आए होंगे वो अगर आर्ट्स स्ट्रीम में चले गए होंगे तो उससे आप लोगों का कोई मतलब नहीं। आप जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में आए हो, जिनका हमसे वास्ता होगा, तो साइंस स्ट्रीम में भी देखिए कई ब्रांच है। जैसे देखिए जनरल ग्रुप जो दो होता है, पहला होता है मैथ और दूसरा होता है बायोलॉजी, जनरली ये चलते हैं। लेकिन आप जानो मैथ बायोलॉजी के अलावा और भी फैकल्टी है, जैसे एग्रीकल्चर साइंस, जैसे कंप्यूटर साइंस, जैसे स्टैटिक्स, जैसे जियोलॉजी। यानी जैसे अभी तक आप लोग सुने होंगे कि बच्चा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है या बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है, उसी तरह से देखिए जो बच्चे कंप्यूटर साइंस लेंगे वो कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे, उन्हें केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे एग्रीकल्चर साइंस लेंगे यानी कृषि विज्ञान लेंगे, वो बायोलॉजी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उन्हें फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सिमिलर मैनर में जो बच्चे एस्थेटिक्स लेंगे उसके लिए रिक्वायर्ड सब्जेक्ट तय है। तो यहाँ हमारे पास जनरली जो 2-3 स्ट्रीम के बच्चे आओगे, पहले बात तो सारे के सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होंगे और उसका मेजर सब्जेक्ट यानी जिससे काउंटिंग होगी वह या तो होगा मैथ या होगा बायोलॉजी या आपका सब्जेक्ट होगा एग्रीकल्चर साइंस या फिर जियोलॉजी। जनरली कोचिंग में जो बच्चे होते हैं वो मैथ बायोलॉजी और आजकल इधर 2-3 वर्ष से एग्रीकल्चर साइंस के बच्चे अधिकांश आते हैं। मैथ बायोलॉजी तो परंपरागत सब्जेक्ट है। देखिए मैट्रिक की तरह यहाँ आपकी परीक्षा भी नहीं होगी। जैसे आप मैट्रिक में पढ़ रहे थे तो साइंस 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, आपको मैथ 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट हुआ करता था और आप पढ़ते होगे हिंदी इंग्लिश भी 100-100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट था। क्लास 11 में आपको साइंस के 3 सब्जेक्ट होंगे जो आपके लिए ऑप्शनल होगा, ऐच्छिक होंगे, जो आप अपने हिसाब से तय करेंगे, और 2 सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी होगा। कंपलसरी जैसे हिंदी और अंग्रेजी, और वो जो हिंदी सब्जेक्ट का है उस हिंदी का 50 मार्क्स हिंदी होता था पहले, शेष 50 मार्क्स अंग्रेजी। शेष आपके लिए 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, वो या तो आप चुन सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, या बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, या एग्रीकल्चर साइंस,
बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इसी तरह से जो एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, इस कंडीशन पर आप एडमिशन लोगे। जैसे हम आप लोगों को केमिस्ट्री बताएंगे, ठीक, हमारे चैनल का नाम, जो कि इस लॉकडाउन के कारण, कोरोना महामारी के कारण हम आप लोगों से नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो हमारी आपकी मुलाकात महीना दिन पहले हो गई होती क्लासरूम में। हमारा कोचिंग भागलपुर में, भागलपुर यूनिवर्सिटी के बगल में, और खंजरपुर में दो ब्रांच है, जो आपको जब आप इस चैनल पर जाओगे तो इसके बैनर में लगा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर भी लगा हुआ है। तो अगर सब कुछ सही होता तो हम लोग महीना दिन पहले यानी मई के लास्ट में ही मिल लिए होते, लास्ट जून करने की जरूरत नहीं थी। तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यहां मिला जुला सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि केमिस्ट्री 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होगा आपका। केमिस्ट्री जो आपकी परीक्षा होगी, आइदर आप बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड के रहो या आईसीएसई बोर्ड, अगर आप कहीं भी क्लास 11 में एडमिशन लेते हैं तो क्लास 11 में आपको केमिस्ट्री 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। और इस 100 मार्क्स के सब्जेक्ट में यही देखिए, केमिस्ट्री आपको, केमिस्ट्री जो आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री, ठीक, ये 100 मार्क्स के सब्जेक्ट होंगे, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा। और इस 100 मार्क्स के सब्जेक्ट के लिए आपकी परीक्षा जो आयोजित होगी, आइदर वो बिहार बोर्ड ले या सीबीएसई बोर्ड ले, इसके लिए कुल रिक्वायर्ड टाइम आपको होगा 6.15 आवर्स, यानी 6 घंटे 15 मिनट, यानी केमिस्ट्री की 100 मार्क्स की परीक्षा के लिए आपको 6 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। अब बोलोगे कि सर परीक्षा तो 3 घंटे की ही होती है, तो बच्चे आप समझो कि परीक्षा 3 घंटे की नहीं होती है, जिस प्रैक्टिकल को आप समझ लेते हो ऐसे ही हो जाता है, वो वास्तव में ऐसे नहीं हो जाता, वह भी परीक्षा होती है। यानी केमिस्ट्री जो 100 मार्क्स के होते हैं और जिसके लिए 6 घंटा 15 मिनट का समय होता है, ये दो पार्ट में बटे हुए होते हैं। पहला देखिए, पहला पार्ट होता है आपको थ्योरी पेपर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सैद्धांतिक पत्र। देखिए सैद्धांतिक पत्र या थ्योरी का एग्जामिनेशन होता है, जिसके आप लोग गिनती करते हो। और देखो दूसरा देखिए होता है प्रैक्टिकल पेपर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रायोगिक पत्र। और इस थ्योरी पेपर के लिए परीक्षा में 70 मार्क्स फिक्स्ड होते हैं, यानी थ्योरी पेपर में आपको 70 मार्क्स मिलेगा और इसकी परीक्षा के लिए निर्धारित समय होगा 3.15 आवर्स। यानी इस परीक्षा के लिए 70 मार्क्स की परीक्षा के लिए आपको समय निर्धारित रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। और ये जो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं प्रायोगिक पत्र, ये 30 मार्क्स की 30 मार्क्स की परीक्षा होती है और इस 30 मार्क्स की परीक्षा के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। यानी कुल मिला के आप देखोगे केमिस्ट्री यानी जो रसायन सब्जेक्ट है, या जो रसायन विज्ञान या जो आपको सब्जेक्ट है, ये 100 मार्क्स की परीक्षा होगी, जिसके लिए कुल निर्धारित समय होगा आपको 6 घंटा 15 मिनट। और देखिए ये दो भाग में बटे हुए होंगे, थ्योरी पेपर यानी जिसको हिंदी में हम कहेंगे सैद्धांतिक पत्र, जिसके लिए 70 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और इसके लिए आपको
अगर टाइम होगा 3.15 आवर्स यानी 3 घंटा 15 मिनट, इस 3 घंटा 15 मिनट में भी देखिए आपको परीक्षा के लिए समय मिलता है 3 घंटा ही, और 15 मिनट अतिरिक्त समय आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है। शेष प्रैक्टिकल की भी परीक्षा 30 मार्च की होती है, जो जिसके लिए समय निर्धारित बोर्ड के द्वारा होता है 3 घंटे का, यानी केमिस्ट्री 100 मार्क्स की कुल मिला के परीक्षा 6 घंटे 15 मिनट की होगी। क्लास 11 और 12 के लिए, क्लास 11 के लिए आइदर बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी के 2 किताब तय हैं, ठीक। यानी क्लास 11 के बच्चों के लिए आइदर वो बच्चा बिहार बोर्ड से बिलोंग्स करता हो या सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, दोनों में से वो किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करते हो, उसके सिलेबस में एनसीईआरटी के 2 बुक होते हैं। पहला बुक देखिए होता है एनसीईआरटी केमिस्ट्री पार्ट 1, एनसीईआरटी केमिस्ट्री पार्ट 1, यानी एनसीईआरटी रसायन भाग 1। एनसीईआरटी की किताबें दोनों ही माध्यम में, बोथ इन इंग्लिश मीडियम एंड इन हिंदी मीडियम दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। आप बाजार जाओगे, जिस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होगा वो इंग्लिश मीडियम का किताब खरीद लोगे, और जिस बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ना होगा आप हिंदी मीडियम का किताब खरीद लोगे। लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप अपना मीडियम आइदर हिंदी रखें या आप अपना मीडियम आइदर अंग्रेजी रखें, दोनों ही माध्यम के बच्चे के लिए आप अंग्रेजी मीडियम का बुक जरूर रखोगे, हिंदी मीडियम में भी पढ़ोगे तो भी अंग्रेजी मीडियम का बुक रखोगे। क्यों? क्योंकि जब आप हिंदी मीडियम में पढ़ोगे तो कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि हिंदी के जो टर्म है उसकी जो शब्दावली है वो अंग्रेजी से ज्यादा टफ है, उसको याद रखने में आपको ज्यादा दिक्कत होगी। तो आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ोगे तो भी एनसीईआरटी का इंग्लिश वर्सन अपने पास जरूर रखना, हिंदी भी रखना इंग्लिश भी रखना, यानी आपके सिलेबस में एनसीईआरटी केमिस्ट्री 2 पार्ट, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के 2 पार्ट हैं। पहला एनसीईआरटी केमिस्ट्री पार्ट 1, ये जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी ये केमिस्ट्री का पार्ट 1 है, इस एनसीईआरटी केमिस्ट्री के पार्ट 1 वाले भाग में कुल मिला के 7 चैप्टर दिए हुए हैं। आज मैं इसी तरह से एक टीचर का लाइव क्लास देख रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने चैप्टर का नाम भी सही से नहीं लिखा था और बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सिलेबस का 1 चैप्टर है। जिन बच्चों को भ्रम होगा आप एनसीईआरटी का किताब खरीद के देख लोगे, आपके सिलेबस का 1 यानी एनसीईआरटी पार्ट 1 का 1 यूनिट है, और 1 यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री
इन्हें जिसको हिंदी में हम कहते हैं रासायन रासायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत, यानी रासायन के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं, यह आपके एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट का पहला यूनिट है। सेकंड यूनिट देखिए आपके सिलेबस का है, वह सेकंड यूनिट देखिए आपको है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यह सेकंड यूनिट आपके सिलेबस में देखिए है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसी चैप्टर को देखिए हम लोग जनरल किताब में लिखा मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। हिंदी में देखिए इस चैप्टर को हम कहते हैं परमाणु संरचना। यानी आपके सिलेबस का दूसरा यूनिट वास्तव में होता है परमाणु संरचना, न कि पहला यूनिट आपके सिलेबस का होता है परमाणु संरचना। आपके सिलेबस का तीसरा यूनिट थर्ड यूनिट है, यानी आपके सिलेबस का तीसरा यूनिट है पीरियाडिक क्लासिफिकेशन या एनसीईआरटी बुक में देखिए सीधा लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। यानी तत्वों का वर्गीकरण एवं उसके आवर्त गुण, तत्वों का वर्गीकरण, इस चैप्टर को देखिए हिंदी में हम कहते हैं तत्वों का वर्गीकरण एवं उसके आवर्त गुण। यानी पीरियाडिक टेबल में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किस तरह से बदलते हैं। देखिए ये जो पहला यूनिट है आपको एनसीईआरटी पार्ट वन का या फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। सेकंड यूनिट यह भी देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का है, जबकि आपको ये जो थर्ड यूनिट दिए हुए हैं या तीसरा यूनिट आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। आपके सिलेबस का फोर्थ यूनिट चौथा यूनिट देखिए होता है एनसीईआरटी पार्ट वन का फोर्थ यूनिट आपके एनसीईआरटी बुक में, यानी आपके सिलेबस में जो है आज का फोर्थ यूनिट देखिए आपके सिलेबस का है, वह देखिए है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। देखिए चौथा यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। यानी हिंदी में आप लिखोगे तो रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना। आपके सिलेबस का पांचवा यह देखिए यह केमिकल बॉन्डिंग, अभी आप लोगों के लेवल पर यह केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों के लेवल पर फिजिकल केमिस्ट्री में आता है।
आपके सिलेबस का पांचवा यूनिट होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर जिसको हम हिंदी में कहते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। क्लास टेन में आप पढ़े होंगे पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो आपको मान ली इस स्टेट्स ऑफ मैटर में पदार्थ की दो अवस्था के बारे में पढ़ने हैं। मैन फोकस आपको पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में है, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है पदार्थ की द्रव अवस्था की, पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं क्या होती है। और अगला चैप्टर जो आपके एनसीईआरटी का सिक्स नंबर यूनिट है, वह यूनिट देखिए आपको है थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में ऊष्मा गतिकी, इसको हम कहते हैं ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनामिक्स। कुछ लोग इसको कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों अलग अलग चीजें होती है। हाँ, ये बातें सही है कि आपके सिलेबस में थर्मोडायनामिक्स के ही लास्ट में कुछ पोर्शन थर्मोकेमिस्ट्री का भी जुड़ा हुआ है। और आपके ये एनसीईआरटी का पार्ट वन का सबसे लास्ट यूनिट यानी अंतिम चैप्टर है इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था। इससे पहले जो हमने लिखा था आपको बताया कि आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर वन एंड चैप्टर नंबर टू फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग्स करता है, जबकि चैप्टर नंबर थ्री आपके सिलेबस में है वह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग्स करता है। और केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इस 11 और 12 क्लास में यह फिजिकल केमिस्ट्री में काउंट होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर भी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए आपको तीन यूनिट जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम यानी पदार्थ की अवस्थाएं, ऊष्मा गतिकी और साम्य अवस्था, ये तीनों ही फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं यानी फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट होता है। अभी तक जो आपको सात यूनिट लिखे, सात यूनिट में छह यूनिट के बारे में हमने बताया कि इस लेवल पर फिजिकल केमिस्ट्री में काउंट होता है, जबकि एक यूनिट यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ये एक से लेकर सात यूनिट आपको एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट में मिलेंगे। उसके बाद आपको एनसीईआरटी का दूसरा पार्ट भी होगा, एनसीईआरटी पार्ट टू जो आपके सिलेबस का होगा यानी एनसीईआरटी पार्ट टू, एनसीईआरटी केमिस्ट्री पार्ट टू, पार्ट सेकंड जो होगा आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री का, उस एनसीईआरटी केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट होगा वह चैप्टर नंबर एक से शुरू होता है। यानी आपको ये बातें समझनी होगी कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री का पार्ट वन और पार्ट टू ये दोनों अलग अलग बुक नहीं है, बल्कि दोनों बुक मिला के एक बुक है। सेवन नंबर यूनिट आपको मिलेगा एनसीईआरटी पार्ट वन में, उसके बाद शेष आठवां नंबर यूनिट आपको
एनसीईआरटी पार्ट टू में मिलेगा। और एनसीईआरटी पार्ट टू में पहला यूनिट जो कि आपके सिलेबस का यूनिट नंबर एट है, वह यूनिट नंबर एट है, देखिए होता है रेडॉक्स रिएक्शन, या यूनिट नंबर एट होता है आपके सिलेबस का है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। और इसको किसी बुक में जाओगे तो लिखता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी। हिंदी में देखिए इस चैप्टर को कहते हैं रेडॉक्स प्रतिक्रिया, रेडॉक्स प्रतिक्रिया, रेडॉक्स प्रतिक्रिया, या फिर देखिए हम इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अवकरण प्रतिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण प्रतिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण प्रतिक्रिया। एक के बाद देखिए आपके सिलेबस का नाइन नंबर यूनिट होता है, नाइन नंबर यूनिट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यानी इस चैप्टर को हिंदी में भी हम कहते हैं हाइड्रोजन। नाइन के बाद देखिए आपके सिलेबस का टेन नंबर चैप्टर है दी एस ब्लॉक एलिमेंट, दी एस ब्लॉक, दी एस ब्लॉक एलिमेंट, दी एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी एस खंड के तत्व, एस खंड के तत्व। टेन के बाद देखिए आपके सिलेबस का अलेवन नंबर चैप्टर, अलेवन नंबर चैप्टर है दी पी ब्लॉक, दी पी ब्लॉक एलिमेंट, दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको देखिए हम कहते हैं पी खंड के तत्व, पी खंड के तत्व, पी खंड के तत्व आपके सिलेबस में जो यानी एनसीईआरटी पार्ट टू में जो यूनिट है, यूनिट नंबर एट रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी, ये देखिए इस लेवल पर आपके लेवल पर यह फिजिकल केमिस्ट्री ही समझा जाता है। जबकि देखिए हाइड्रोजन दी एस ब्लॉक एलिमेंट एंड दी पी ब्लॉक एलिमेंट ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी अभी तक मैं आपको पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, उसके बाद हाइड्रोजन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ये चार यूनिट आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हुए 11 में से, शेष बचे हुए जो सात यूनिट हुए वो फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग्स करता है। आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 12 जो एनसीईआरटी पार्ट टू में ही है, एनसीईआरटी पार्ट टू में ही जो है आज जो आपके सिलेबस में है, यानी चैप्टर नंबर 12 जो कि क्लास 11 के सिलेबस का है, उस चैप्टर का देखिए नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल, सम बेसिक, सम बेसिक प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। टेक्निक्स यानी आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 12 है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, यानी कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन कुछ
कुछ मूलभूत सिद्धांत, कुछ मूलभूत सिद्धांत, कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, एवं तकनीकें, यानी कारणिक एवं तकनीकें नहीं लिखिए, तकनीक लिखिए। कार्बनिक रसायन के फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होते हैं और किस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं, और आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 13 होते हैं वह देखिए है हाइड्रोकार्बन। इसको हिंदी में भी देखिए हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अभी तक हमने आपको 11 यूनिट लिखा था, 11 यूनिट में हमने आपको क्लियरिफाई किया कि 4 यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, शेष बचे हुए 7 यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, जबकि यूनिट नंबर 12 एंड 13 ये दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ये प्योर, ये देखिए दो ही यूनिट है, लेकिन ये दो यूनिट काफी महत्व के हैं, जिसके बगैर आपको 12 में अच्छे नंबर की कल्पना नहीं हो सकती है, आप कोई भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। और देखिए आपके सिलेबस का सबसे लास्ट यूनिट है जो आपके सिलेबस में है, वह देखिए है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसको देखिए हम हिंदी में कहते हैं पर्यावरण रसायन, इसको हिंदी में हम कहते हैं पर्यावरण रसायन। यानी पर्यावरण रसायन क्या होते हैं, ये देखिए ये चैप्टर जनरल टाइप का चैप्टर है, जैसे सॉइल पॉल्यूशन क्या होते हैं, वाटर कंटामिनेट कैसे करता है, उसके बाद एयर पॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक उसमें किस तरह के केमिकल्स के कारण कौन तरह का पॉल्यूशन होता है, ये सब चीजें आपको पढ़ने हैं। अभी से शुरू से आज मैंने आपको बताया कि आप क्या करके आए, उसके बाद केमिस्ट्री की परीक्षाएं क्या होंगी, और केमिस्ट्री की परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए आयदर बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, जनरली सीबीएसई बोर्ड के ही सारे सिलेबस को सारे स्टेट बोर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस क्या है। और कल के क्लास में मैं आपको पहले कुछ बेसिक बात बताऊंगा, इससे पहले मैंने कुछ भागलपुर के क्लास का लाइव क्लास देखा जिसमें एकदम निहायत लिखाने वाले लैंग्वेज में बात किया जाता है, मैं आपसे लिखाने वाले लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा पढ़ाने वाले लैंग्वेज में, समझने वाले लैंग्वेज में। और इससे पहले कि कल, यानी शुरू में मैंने आपको जो नोटिस किया है 10-15 दिन तक आपको हर अल्टरनेट डे पर हमारा वीडियो मिलेगा, और हर अल्टरनेट डे पर जो वीडियो मिलेगा उस वीडियो को आप गौर करोगे, उसको आप कॉपी में नोट करते जाओगे। मैं आपको कुछ प्रारंभिक बातें बताऊंगा जो क्लास 10 का है, 9 का है, जिसकी हमें जरूरत है, उसके बाद मैं पहला यूनिट आप लोगों के साथ बिहेव में लाऊंगा, वह यूनिट देखिए होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। इससे पहले आप लोग सभी बच्चे क्या पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए, आप लोग एक किताब जरूर खरीद लोगे, वह किताब देखिए है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, और इसका ऑथर देखिए है जी डी तुली एंड पी एल सोनी, और ये किताब एस चांद एंड कंपनी की किताब है, ये इंग्लिश मीडियम की किताब है। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ोगे तो इसी किताब का हिंदी भी भाषण आता है, जिसको हम कहते हैं रसायन की भाषा। और इसके लिए लेखक वही है जी डी तुली एंड
पीएल सोनी और इसके भी कंपनी का नाम है एस चांद एंड कंपनी। सभी बच्चे कल तो आप लोगों को नया वीडियो अपलोड नहीं होगा, वैसे देखेंगे अगर रहा तो कल भी कर सकते हैं। आप लोग ये किताबें खरीद लोगे और हिंदी अंग्रेजी में पेज तो क्लियर याद नहीं है, जाओगे तो किसी किताब में 11 12 13 और किसी बुक में जाओगे तो हिंदी या अंग्रेजी किसी में 12 13 14 नंबर पेज पर आपको लिखा होगा रेडिकल एंड देयर वैलेंसी, यानी मूलक और उसकी संयोजकता है। आप सभी बच्चे मूलक और उसकी संयोजकता याद करोगे। उसके बाद जो बच्चे किसी और चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को देखिए, हमें विश्वास है कि मैं और से ज्यादा आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकूंगा। शेष अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।